दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट चलता है सुपर स्लो आपके वोडाफोन पे, आपके जियो पे या किसी अदर नेटवर्क पे, तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि आपका फ़ोन सिर्फ 3 सेटिंग करने से बहुत ही फुल स्पीड के साथ चलने लगेगा इंटरनेट। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली सेटिंग, आपने जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम एक बहुत ही हैवी एप्लीकेशन है और इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो आपको जानी है सेटिंग में जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है साइट सेटिंग में। साइट सेटिंग में आपको स्क्रॉल डाउन करिए, आपको जाना है स्टोरेज में। अब आपने आज तक जितनी भी यहाँ पे साइट ब्राउज़ करी हैं गूगल क्रोम में, वो सारी इसमें होती हैं, सारा आपको मिलेगा। तो होता क्या है, गूगल बैकग्राउंड में इनका जो प्रोसेसिंग है, इनमें अपडेशन है, वो करता रहता है। तो इसमें बहुत सारा डेटा आपका यूज़ होता है, जिससे आपका नेट स्लो होता है। तो आप इसको क्लियर साइट स्टोरेज कर दीजिए। इसको मैंने क्लियर पे क्लिक कर दिया है और ये सारी क्लियरिंग कर रहा है। अब ये सारी क्लियरिंग करने के बाद आपने जाना है बैकग्राउंड सिंक में। बैकग्राउंड सिंक को आप बंद कर देंगे, अब गूगल क्रोम कोई भी बैकग्राउंड सिंकिंग नहीं करेगा। एक सेटिंग ये हो गई। उसके बाद आपने जो दूसरी सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, और उसके बाद आपने जाना है वाईफाई एंड इंटरनेट या कनेक्शन, जो भी आपके फ़ोन में आता हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है अपने मोबाइल नेटवर्क पे, और आप अगर नेट चलाते हैं जियो से या एयरटेल से, आपको वहाँ जाना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है एक्सेस पॉइंट नेम पे, जहाँ पे आपको जियो 4G, एयरटेल 4G या इस तरीके का कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपने इस पर करना है क्लिक। आपने इसमें सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक सेटिंग जो मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इसमें अपना APN चेंज कर देंगे या कुछ और चेंज कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आपको जाना है सर्वर में। सर्वर में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, सर्वर में आपने लिखना है www.google.com। आपने इस पर ये टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सेव का बटन करना है, दबाना है। और अगर आपको ये, आप नेट चलाते हैं किसी और सिम से, एयरटेल से, ये डुअल सिम फ़ोन है, तो आपको इसमें भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सिर्फ अभी जियो में करके दिखा रहा हूँ। दो सेटिंग आपकी हो गई। इन दो करने के बाद और आपको जाना है डेटा सेवर में। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आप उसको अपनी सेटिंग में ढूंढ सकते हैं और आपको मालूम ही होगा। डेटा सेवर में जाने के बाद आपने डेटा सेवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप डेटा सेवर को ऑन कर देना है आपने। अब आपकी तीनों सेटिंग पूरी हो गई। अब आपने अपने फ़ोन को करना है रीस्टार्ट, और फ़ोन को स्टार्ट करके आप अपने फ़ोन को चलाइए, उसका इंटरनेट यूज़ करिए जिस सिम पे आपने सेटिंग करी है, और यकीन मानिए आपके फ़ोन में जितने भी इश्यूज होंगे इंटरनेट वाले, वो सारे रिजॉल्व हो चुके होंगे और आपका फ़ोन बहुत ही तेज़ स्पीड इंटरनेट से चलना शुरू कर देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।